हथियारों का निर्माण कर सप्लाई करने निकला एक सिकलीगर युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने आरोपी से 10 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस सहित निशानदेही पर बड़ी मात्रा में हथियार निर्माण सामग्री बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी आदतन अपराधी होकर हरियाणा राज्य के थानों में हत्या, हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोपों में मामले दर्ज हैं। शुक्रवार को मामले का खुलासा करते हुए एएसपी मनोहर बारिया ने बताया कि थाना गोगावा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोहन पिता अनोक सिंह टकराना जाति सिकलीगर निवासी सिंगुन को घेराबंदी कर पकड़ा। तलाशी लेने पर हाथ में लिए झोले में 8 नग देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टे और 2 जिंदा पिस्टल राउंड मिले। थाने लाकर पूछताछ करने पर अवैध पिस्टल ग्राम सिंगुन में स्वयं द्वारा उक्त हथियार बनाकर बेचने के लिए मोहन की निशानदेही पर निर्माण सामग्री बरामद की है। उक्त हथियार किसे बेचना थे और किस किस को पहले बेचे गए हैं, इसकी पूछताछ के लिए रिमांड लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। महादेव द्वारा अवैध शस्त्र की खरीद परोक्त और इनके ऊपर नियंत्रण लगाने के लिए सभी थाना प्रभारी निर्देश किया गया था, जिसके आधार पर थाना गोगांव में मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर इनके द्वारा एक व्यक्ति की तलाशी ली गई, जिसका नाम मोहन पिता अनोक सिंह टकराना सिकलीगर सिगनूर का है, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 8 नग अवैध देसी पिस्टल और 2 देसी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं, जिसकी कुल कीमत 1,60,200 है। और इसके बाद इसे और पूछताछ करने पर इसके पास बनाने की सामग्री भी जब्त की गई है। इसके ऊपर हरियाणा IMP रोहतक हरियाणा में 302-307 के अपराध है और सापला जिला रोहतक में भी 307 2527 आर्म्स एक्ट है। यह संपूर्ण कार्रवाई थाना प्रभारी गोगावा करण सिंह परमार, प्रवीण आर्य और SDOP राकेश आर्य द्वारा की गई है। सभी टीम द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।